अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे यूनिक्स डिज़ाइन। मैंने शॉर्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट वीडियो तो अपलोड कर दी थी, लेकिन ट्यूटोरियल मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ आपके साथ, जो है किस तरह से इसे करना है उसे शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमने ब्रश लिया हुआ है वो 2 नंबर का है, और जो भी कलर मैं लगाऊंगी आपको बताते जाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैप ग्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ। सैप ग्रीन से लीफ, डंठल, ये सब चीज़ जो है मैं बनाऊंगी सैप ग्रीन के साथ, और भी कलर मैं यूज़ करूँगी तो उसको मैं बताते जाऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास वगैरह करना चाहते हैं तो हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कैसे क्या करना है। और जब भी कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल ना करें, कॉल कोई और रिसीव करेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, मैंने जो कलर यूज़ किया और लीफ के लिए, पहले सैप ग्रीन लिया है, और सैप ग्रीन के साथ मैं यहाँ रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ ही फिर यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह मैंने खाली रखी, स्पेस रखा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, हाँ, और इसके बाद यहाँ पे हम वाइट कलर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी कुछ लीफ तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें लीफ को थोड़ा सा फोल्ड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे आपको दिखा ना हो, हाथ से छिप गया हो, क्योंकि दूसरी तीसरी लीफ में आप देख सकते हैं, इसे देख लीजिएगा आपको दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ा उल्टा पड़ रहा था हमें, तो इसकी वजह से लीफ बनाने में छिप गई। अब यहाँ पे हमने डार्क शेड लिया है, टर्कस ब्लू कलर, जिससे हम रेशे डालेंगे, नस जो होती है लीफ की वो सब डालेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे नस जो है दिख नहीं रही है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको जो है वाइट कलर से बनाऊँगी, तो आपको शायद क्लियर दिखेगी। सामने से कलर करने के बाद जो डार्क कलर हमारा टर्कस ब्लू कलर लगाते हैं वो तो दिखता है, लेकिन जो वीडियो में है ना, वीडियो में नहीं दिखता है, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे वाइट शेड लगा के दिखाऊंगी किस तरह से लगाना है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप लीफ बनाना यहाँ पे देख लीजिए कैसे बनती है, इस तरह से हमने वाइट और रेड मरून का कॉम्बिनेशन करके लीफ को बनाया है। और यहाँ पर देखो, इस तरह से लीफ को फोल्ड करनी है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है लीफ को फोल्ड करने का। और इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे से हमने बनाया है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके किस तरह से बनाना है। इस फ्लावर की पेंटिंग थोड़ी अलग है, तो आप इसको ज़रूर देखें, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर देखें, पूरा देखें। मैंने हर एक चीज़ जो इसमें करके दिखाई है, इसकी बिल्कुल नहीं किया है, ताकि आपको जो है क्लियर दिखे और पता चले। देखिए यहाँ पे मैंने पहले वाइट कलर लगाया, अभी यहाँ पे रेड कलर लगा रही हूँ। तो कलर कोई सा भी आप पहले लगा सकते हैं, सिर्फ हमारा कलर को मिक्स करने का जो है तरीका एक जैसा होना चाहिए, वो अच्छा आना चाहिए। मिक्स होने के बाद हमारा शर्ट जो है अच्छा आना चाहिए, इसमें ये ज़रूरी है। बाकी कलर आप कोई सा भी आगे पीछे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 लीफ जो है बना ली है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से लीफ बनानी है। यहाँ देखिए, आप सिंपल लीफ, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉ में उसको फोल्ड करके बनाएं, ड्रॉ करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूरी लीफ बनाकर भी उसमें जो है फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है फोल्ड करना। पूरी लीफ बना करके आप जो है वाइट शेड लेके उसमें, उसी ब्रश में वाइट शेड लेके बनाएंगे, तो आपकी लीफ जो है फोल्ड हो जाएगी, बहुत इजी होता है फोल्ड करना लीफ को। एक साइड वाइट लगाना है, एक साइड रेड लगाना है, और यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल कलर लेना है वाइट वाला, और यहाँ पे इस तरह से लीफ को फोल्ड कर देना है, ठीक है। ब्रश को वॉश नहीं करना है, मैंने उसी ब्रश को जो है बार बार कलर लगा के यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कली बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हमारी बन जाती है। और ये हमने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है हमारा,
इसी ब्रश से हमें सारी पेंटिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं कली में जो है ग्रीन का जो शेड रहेगा उसको हम पूरा कर रहे हैं, ताकि हमें कलर भरने में बाद में इजी हो जाए। जो स्पेस रहेगा उसमें हमें जो फ्लावर का कलर रहेगा उसको भरना रहेगा। तो सिर्फ हम ग्रीन वाला भी काम कर रहे हैं। ग्रीन वाला काम करने से जो है हमारी फिनिशिंग हो जाती है, और उसके बाद हमें कलर भरने में बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कली हमारी जो है हम बना रहे हैं, और कितना इजी है कली बनाना। बहुत लोग जो है इसको नहीं कर पाते हैं, कली नहीं बना पाते हैं। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको एक पंखुड़ी जैसा बनाना है उसको, और उसके बाद उसमें ग्रीन का जो उसमें ग्रीन की लीफ होती है पतली पतली, उसका शेप दे देना है। बाकी थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ देना है लीफ। इसमें जो कली की खासियत होती है, जो इतनी खूबसूरत लगती है, बस उसी की वजह से ये खूबसूरत लगती है कि एकदम हल्की सी वो फूटी हुई होती है, बीच में बारीक सा कलर दिखता है, और उससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो बारीक बारीक ऊपर पतले से लीफ की जो नस जैसा ऊपर निकला हुआ है, वो उसकी वजह से ये कली और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम जो है अपना देखिए ग्रीन जो काम रहेगा उसको हम पहले कर लेंगे, और बहुत ही ईजी तरीके से हम जो है पेंटिंग कर रहे हैं। ना इसमें कुछ आपको भरना है ना कुछ करना है, बस कहीं कहीं ये देखिए ग्रास में डाल रही हूँ, जो स्पेस है उसमें थोड़ा सा भर जाए इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ब्लू शेड हमारा जो है दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लू शेड को इस तरह से, अगर आपको सामने से दिखना है तो मैं वीडियोज़ के लिए वाइट कलर डाल दी हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, लेकिन ब्लू कलर का यूज़ करेंगे तो लीफ जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पे वाइट कलर आपको देखने की मतलब समझ में आए इसकी वजह से डाल रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नसें हम बनाएंगे बीच में लीफ के। यहाँ पे आप लाइट लीफ भी बना सकते हैं, अगर आपको दूसरा कलर पसंद है तो आप यहाँ पे लाइट लीफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लगभग लगभग हमारे सारे लीफ कली जो है तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये फ्लावर बनाने चाह रही हूँ। यहाँ पे हमने ब्राइल पर्पल लिया हुआ है साथ में वाइट, और इसके साथ ही हमने मरून शेड यहाँ पर लेना है। तो तीन शेड से हम ये फ्लावर बनाएंगे, और फ्लावर को बहुत ही आराम से आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत समझ समझ के बनाना रहता है, क्योंकि इसमें फोल्ड है, फोल्ड की जगह भी आपको थोड़ा ध्यान देना है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम इसको भरे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वाइट लगा दिया है, आप बाद में भी वाइट लगा सकते हैं डार्क शेड डालने के बाद। तो हिसाब से आपको कलर लेना है यहाँ पे, अगर वाइट ज़्यादा हुआ तो आपका जो जो कि पंखुड़ी जो पिटल्स है वो लाइट हो जाएगी। अगर आप पहले डार्क शेड डालेंगे तो आप वाइट डालेंगे तो आपका जो कलर है वो थोड़ा अच्छा आएगा, मतलब उतना लाइट नहीं आएगा, डार्क आएगा। और ये ब्राइल पर्पल थोड़ा लाइट कलर होता भी है, तो इस वजह से और ही लाइट दिख रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मरून शेड का यूज़ किया है। अगर आप मरून शेड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास मजेंटा कलर है तो आप मजेंटा कलर का यूज़ कर सकते हैं। मजेंटा शेड इसके साथ डालने में जो हमारा शेड होता है वो काफ़ी अच्छा सा उठ के आता है, खिल के दिखता है। मजेंटा शेड आप डाल सकते हैं, मरून शेड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा कलर थोड़ा सा आपको जैसे लग रहा होगा कि ब्लैक में दिख रहा होगा मरून शेड, तो यहाँ पर हमने मरून शेड में अपने जो है ब्लैक कलर का मिक्स करके रखे रहती हूँ, तो मैं वो मरून यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल मरून यूज़ करेंगे तो भी आपका ये जो शेड है वो अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मरून कलर में ब्लैक मिलाया हुआ है, तो हमारा शेड थोड़ा सा बहुत मतलब रूखा रूखा सा दिख रहा है। तो अगर शाइनिंग चाहिए तो आपको नॉर्मल मरून कलर लेना है और उसके बाद जैसा शेड देना है, या फिर मजेंटा कलर लेना है उससे शेड देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे पीटल्स है उसमें ऊपर नीचे से मैं जो हमारा कलर का फ्लावर का शेड है वो डाल रही हूँ, और बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ, उसमें वाइट शेड डालूँगी। यहाँ से यहाँ पे वाइट शेड पहले हमें लगाना है, और इस तरह से हो गया हमारा। ये हमारे बैक साइड का पार्ट है, तो यहाँ पर हमने नीचे से वाइट लगाया है और ऊपर से पिंक शेड के साथ जो है यहाँ पर मरून शेड लगाया थोड़ा सा डार्क करने के लिए। तो जहाँ पे भी हमारी पेटल्स मुड़ी होगी वहाँ पे हमें उसके नीचे जो है मरून शेड डालना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ मरून और ब्राइल पर्पल, ब्राइल पर्पल जो रानी कलर होता है, रानी कलर कुछ लोग जानते होंगे कि रानी कलर किसको बोलते हैं, तो
पिंकी होता है ये, इसको ब्राइल पर्पल बोलते हैं, लाइट कलर होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कलर अपने पेटल्स में लगानी है। यहाँ पे देखिए हमने हर तरफ से घुमा के पिंक शेड लगाया और बीच में इस तरह से स्पेस छोड़ दिया। और यहाँ पे अब डार्क शेड लगाऊंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, और हमें काफ़ी सफाई से इसको ब्लेंड करना है ताकि हमारा कलर जो है वो अच्छे से मिक्स हो और कहीं कम ज़्यादा ऐसा ना दिखे। इसमें यही चीज़ है कि आप कितने अच्छा कलर को मिक्स कर लेते हैं, इसकी यही फिनिशिंग है। कलर को जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा शेड आएगा। और यहाँ पे जो हमने स्पेस रखा था यहाँ पे वाइट शेड डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं वाइट शेड डाल के इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है पर्पल के साथ। इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, और जो भी कलर का आप फ्लावर बनाना चाहते हैं, रेड हो गया, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्राइट पर्पल लगाया है, और जो लगाया मैं आपके सामने बता दी हूँ क्या मैं लगाई हूँ। अगर आप अदरवाइज़ आपको दूसरा पसंद कलर है तो आप उसमें जो है लगा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है कलर लगाने की, और तो इस वजह से आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप ये फ्लावर लाइट ब्लू में भी बना सकते हैं, डार्क ब्लू में बना सकते हैं, रेड कलर बना सकते हैं, पर्पल कलर बना सकते हैं, ये सब कलर जो है आप बना सकते हैं, ऑरेंज कलर भी बना सकते हैं। तो बस आपको उसमें शेड का ध्यान देना है, किस में कौन सा शेड रहेगा उस हिसाब से आप बना लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारी लीफ जो पंखुड़ी हमारी फोल्ड रहेगी वहाँ पे इस तरह से देखिए कलर में, आपको यहीं पे ध्यान देना है कि कहाँ पे मेरी पंखुड़ी फोल्ड है, तो वहाँ पे मैं डार्क शेड उसके नीचे लगाना है और इस तरह से देखो भरना है। और वहाँ पे मैंने देखिए ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है, वहाँ तक हमारा लाइट शेड में पिंक शेड में मिल के यहाँ तक देखिए मिल के वाइट शेड रहेगा पूरा, और यहाँ नीचे डार्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी पंखुड़ी फोल्ड है। लास्ट में हम उसी ब्रश में पर्पल कलर के ब्रश में जो है कलर में वाइट शेड लगा के फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा हमारा लाइट पिंक शेड में आता है। कलर को अच्छे से मिक्स करें, जितना अच्छा आप मिक्स कर पाएंगे उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग आएगी। और ये जितना बारीक आप लगा सकते हैं उतना बारीक लगा के कलर में अच्छे से ब्लेंड करें शेड, उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए जल्दी जल्दी, आपको बहुत लोग बोर हो जाते हैं देखने में, तो इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया है ताकि देखने में भी ऐसे हो जाए। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही थी तो इसकी वजह से हमने इसको शॉर्ट कर दिया है स्पीड ज़्यादा करके, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपको करके दिखाया गया, आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे फोल्ड है, और यहाँ पे आप पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं फोल्ड करने के लिए। अगर आपको फ्लैट ब्रश चलाने की आदत नहीं है, आपसे फ्लैट ब्रश से नहीं बनता है, तो आप जो है पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। वही आपको दोनों कलर लगा लगा के उसमें कलर को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो भी हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करें, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एक महीने का कोर्स है, एक महीने में आप पेंटिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेटल्स में ध्यान देना है कि किस तरह से हमें कलर करना है, तो वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पेंटिंग करने में काफ़ी इजी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलर को आप कितना अच्छा मिक्स कर लेते हैं ये आपको अच्छे से कर लेना है। कलर जो है आप इतने मिलाना सीख जाएंगे, जब आप कलर ब्लेंड करना सीख जाएंगे, कलर को कैसे एक दूसरे में मिक्स करें कि वो एकदम मिक्स हो जाए, कहीं डार्क लाइट ऐसा ना दिखे, तो आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सब वही फिनिशिंग होती है,
एक कलर को अच्छे से मिक्स करना और एक आउट लाइनिंग से कलर बाहर नहीं जाना, बराबर में उसको पेंट करना। ये सब चीज़ जो होती है पेंटिंग की खासियत होती है, वही सब चीज़ जो है अगर आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद आप पेंटिंग जो है इजी हो जाएगी। और जहाँ कॉर्नर वगैरह होता है, जैसे बहुत डीप कॉर्नर होता है, ज़्यादा गहराई होती है कॉर्नर होता है वो, तो वहाँ पे हमारा डार्क शेड थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे फ्लावर का जो लुक होता है, जो फ्लावर की मतलब खूबसूरती होती है वो दिखती है। ठीक है, जहाँ पे गहराई होती है वहाँ पे हमारा डार्क शेड ज़्यादा रहता है। कहीं कहीं पे आप देख रहेंगे कि जहाँ पे कॉर्नर बना है वहाँ पे डार्क शेड है, तो इसी तरह से हमें कलर लगाना है, जहाँ पे डार्क शेड रहेंगे वहाँ पे कलर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और कभी भी पेंट करें कलर आपका सूखा नहीं होना चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए दोनों कलर। अगर एक कलर सूखा है एक कलर गाढ़ा है तो भी आपको पेंटिंग करने में काफ़ी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो आप कलर बराबर मात्रा में रखें, एक सूखा एक थिक मतलब एक लिक्विड जैसा, ऐसा ना रखें, कलर को लूज़ रखें बराबर मात्रा में, और ताकि दोनों कलर जब एक जैसा होगा तो हमें मिलाने में उसको पेंटिंग करने में काफ़ी इजी रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पिटल्स जो है ये फोल्ड है, तो इसमें हमने बहुत थोड़ा सा पिंक और वाइट का शेड दिया है, इसमें ज़्यादा हमें कलर नहीं लगाना है, सिर्फ वाइट और हल्का सा पिंक शेड लगा के हमने इसको फोल्ड किया है पीछे की साइड। और यहाँ पे भी देखिए ब्राइट पर्पल लगा रही हूँ, और उसके साथ ही वहाँ पे जहाँ पे ऊपर से फोल्ड ले ली वहाँ पर डार्क शेड लगाएंगे, नीचे से भी हल्का सा डार्क लगाएंगे। देखिए यहाँ से भी डार्क लगेगा और ऊपर से भी डार्क लगेगा, क्योंकि ऊपर से जो लीफ फोल्ड है हमारी उसका शेड बनता है, तो उसके नीचे भी डार्क शेड रहेगा और नीचे से भी हमारा डार्क जहाँ पे रहता है गहराई जहाँ रहती है वहाँ पे भी डार्क रहता है, तो इसके लिए दोनों तरफ डार्क शेड रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ पिंक लगा रही हूँ, एकदम लास्ट में हल्का सा वाइट शेड दी हूँ, पिंक लगाने के बाद मरून शेड देना है। बहुत छोटे छोटे पेटल्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ब्रश चौड़ा है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हम पेन ब्रश का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उसी ब्रश से बनाया है, 2 नंबर फ्लैट ब्रश से ही बनाया है। देखिए हमारा फ्लावर कुछ हद तक जैसे आधा से ज़्यादा बन चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, उसे भी आप देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको बनाना है। तो मैं तो कहती हूँ वीडियो को थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसको पूरा देखिए, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। आधी अधूरी वीडियो देखने से जो है पूरी जानकारी भी नहीं मिलती है, और बीच बीच में हम जो बातें बताते हैं वो आप मिस कर देते हैं, तो उसे भी आपका रह जाता है कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक रह जाती है, मिस्टेक हो जाती है बनाने में करने में। तो हम जब सारी बातें सुनेंगे जानेंगे तो आपको पूरा पता रहेगा कि यहाँ कहाँ पे क्या कैसे करना है। ये सब चीज़ हम लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले सबसे पहले बाहर के पेटल्स वगैरह हम करते हुए अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे भी हमारा फ्लावर काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि अब मुझे आदत है करने की तो मुझे समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, लेकिन जिनको आदत नहीं है तो अगर ये सब चीज़ पहले बना लेंगे तो उनसे भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए जितनी भी बाहर की पंखुड़ियाँ हैं घुमा करके सर्कल टाइप में जो भी घुमा करके हैं, वो सब करते करते अंदर की तरफ आएंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है फ्लावर बनाने में, और फिनिशिंग भी आती है हमारी पेंटिंग में। अब यहाँ पे हम डार्क शेड डालेंगे, देखो यहाँ से ऐसे, मजेंटा आप शेड डाल के देखेंगे उसका कलर और भी अच्छा आता है पिंक ब्राइल पर्पल के साथ। वो डार्क शेड में इसका यही कलर होता है, डार्क शेड होता है पिंक शेड, तो उसका शेड डालने के बाद हमारे ये जो कलर होता है ये वाला, उसका और भी अच्छा लुक आता है।
तो आप वो कलर भी डाल सकते हैं, मरून शेड भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी शेड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने मरून कलर में ब्लैक शेड मिलाया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कलर जैसे जले जैसा दिख रहा है, जला जला सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो आप नॉर्मल जो मरून शेड पैकेट में लाते हैं उससे बनाएंगे तो आपका और ज़्यादा फिनिशिंग और अच्छी आएगी। यहाँ पे आपको मरून शेड का मतलब डार्क शेड का ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ से हमारा डार्क शेड लगेगा, कहाँ लाइट शेड लगेगा, ये चीज़ आपको पकड़नी है इसमें। और तब पेंटिंग करनी है, उसके बाद इसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी दिखती है। जहाँ पे भी हमारी लीफ फोल्ड है, लीफ या पंखुड़ी फोल्ड है, वहाँ पे हमारा डार्क शेड होना चाहिए और उसके ऊपर वाइट, और जो फ्लावर का कलर रहेगा उसको थोड़ा सा लेकर जो है हमें फोल्ड करना है लीफ को। दो तीन पंखुड़ी और बची है हमारी फ्लावर की, तो उसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। एक बार फिर से कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं लगते हैं, और हो सके तो साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ये फ्लावर बनाने में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन मैंने 1.5 घंटे की वीडियोस में इसको बना, 1.5 घंटे का टाइम लगा तब जाके ये वीडियोस मेरी तैयार हुई है, वो भी थोड़े थोड़े छोड़ छाड़ के, कुछ मैंने करके कुछ ना करके, मतलब ऐसा किया है कि कहीं कहीं मतलब करके छोड़ दिया है, उसकी वीडियोस नहीं बनाई है। और जो किया है वो तकरीबन 1.5 घंटे की पूरी वीडियो पूरा बनाई होती तो 2-2.5 घंटा पूरा पक्का गया होता इसमें बनाने में। टाइम बहुत लगता है इसे बनाने में, क्योंकि बहुत संभाल के बनाना रहता है, बड़े फ्लावर रहते हैं तो मतलब इतना संभालना नहीं होता है। कलर जहाँ पे हम लगाएंगे फटाफट लग जाएगा और उसे मिक्स करना भी इजी हो जाता है, लेकिन छोटे फ्लावर होते हैं तो उसमें काफ़ी बचाना पड़ता है, कहीं हमारा कलर ऊपर नीचे ना हो जाए, यहाँ वहाँ ना चला जाए, इस वजह से हमें बहुत संभालना पड़ता है कलर को। आप चाहे तो पूरा कलर लगा कर भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से वाइट लगा सकते हैं, जहाँ पे मैंने स्पेस थोड़ा सा खाली रखा था फिर उसमें वाइट शेड लगाया, तो आप पूरा कलर ब्लेंड करके भी उस पर वाइट लगा सकते हैं, लेकिन जो है आपका फ्लावर जो है वो डार्क आएगा, लाइट नहीं आएगा। जैसे इसमें लाइट आया ना तो उसमें लाइट कम आएगा, ठीक है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आप अलग से एक पेटल्स जो है ऐसे ही किसी वेस्ट कपड़े पर बना के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी समझ लो कि लास्ट जो पेटल्स बन रही है, अब हम एक साथ पूरा जो बीच में बचा है उसको फिल करके उसमें लगाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही स्पेस छोटी छोटी मतलब पेटल्स बनी हुई हैं तो उसे बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इसकी वजह से हम वहाँ पे क्या करेंगे, पूरा जो है पिंक शेड फिल कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पर जो कलर लगेगा उसको लगाएंगे।
देखो यहाँ पे कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डार्क शेड ज़्यादा करेंगे ताकि हमारी ये चीज़ जो है दिखे कि यहाँ पे कॉर्नर है। और यहाँ पे भी कॉर्नर पे हम थोड़ा सा कलर ज़्यादा करेंगे और ऐसे शेड करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मरून शेड लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है, अगर आपने फ्लावर ड्रॉ किया है तो आप अगर अलग तरीके का भी फ्लावर ड्रॉ किए हैं आपको अगर फोल्ड करना है तो आप क्या करें, वीडियो को मेरी वीडियो को चालू करके रख के आप खुद बना सकते हैं और उसे देख देख के भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप उसको सामने रख के भी जो है बनाएंगे तो आपका जो है ईज़िली बन जाएगा। अगर आप डिज़ाइन करते हैं मेरी वीडियो को देखते हैं तो भी आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरह से आपको जो है इसको करना चाहिए कि आपका सही बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब जो है सारा जो है फिल कर लिया। यहाँ पे मैंने गलती से वाइट शीट पहले लगा दिया है, ठीक है। जो भी हमारा पहले रहेगा, जो भी मरून लगाएंगे हम, जो यहाँ पे इस पेंसिल से हमने ड्रॉ किया हुआ है तो वो दिख रहा है उसमें से, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है मरून शीट डाल दिया पहले, और उसके बाद हम वाइट शीट जो है थोड़ा थोड़ा कट कर डालेंगे ताकि हमारे पेटल्स का जो शेप है वो बन जाए और हमारी हमारा फ्लावर जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए इस तरह से जहाँ पे हमने मरून लगाया है उसके नीचे नीचे मैं वाइट शीट लगा रही हूँ ताकि जो पंखुड़ी का शेप है वो क्लियर दिखने लगे और फ्लावर हमारा सही बन जाए। यहाँ पे मैंने पूरे ब्रश में कलर नहीं लेना है वाइट, सिर्फ कॉर्नर पे ले लेके जो भी आपकी लाइनिंग है उस पर लगाना है और उसको अच्छे से कलर में मिक्स करना है ताकि आपकी पंखुड़ी जो है क्लियर दिख सके, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर पे कलर ले लेके बनाना है। तो ये हमारा फ्लावर हो चुका है और इसके बाद हम जो है ऊपर वाला बैक साइड से जो फ्लावर दिख रहा है उसको हम करेंगे, वो रेड शेड से करेंगे। तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने रेड मरून और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। तो पहले कली भर लेते हैं। कली देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है पिंक शेड हमारा लगेगा और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा मरून शेड डाल दिया और कहीं कहीं पे वाइट शेड भी आप डाल सकते हैं। वाइट शेड डालने से हमारे जो पेटल्स का कलर होता है वो सॉरी पंखुड़ी जो कली जो होती है उसमें अलग ही लुक आता है वाइट कलर डालने से। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से भी आप जो है बना सकते हैं। सूट वगैरह के लिए ये फ्लावर काफ़ी अच्छा रहेगा, सूट पे भी आप बना सकते हैं, बेडशीट पे भी बना सकते हैं। टाइम तो लगेगा, आप बेडशीट या सूट किसी पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो है किनारे किनारे से रेड शेड लगाया, बीच में वाइट शेड लगाया और साथ ही यहाँ पे जो मरून शेड है उसको डार्क शेड नीचे नीचे लगाएंगे। अगर आपको मरून शेड नहीं लगाना है स्किप भी कर सकते हैं। हाँ तो मैं डार्क करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मरून का यूज़ करी हूँ, अगर आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। वाइट शेड से ही आप सिर्फ जो है कॉम्बिनेशन उसको जो भी बनाना है बना सकते हैं, तो भी आपका जो फ्लावर अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे ये पेटल्स हमारी जो है डंठल के पीछे दिख रही है तो उसको हमें अपने हिसाब से करना है। देखिए पहले इस तरह से हमने ऊपर से वाइट लगाना है, अंदर से जो है रेड शेड लगाना है और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंदर पार्ट रहेगा वहाँ पे डार्क शेड दे देंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि डार्क दिखे इस तरह से। और कलर बहुत संभाल के लेना है, मरून शेड अगर आप लगाते हैं तो बहुत संभाल के लें, ज़्यादा ना करें
क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर हमें मरून वाला जो कलर है हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही यूज़ करना है। और ये जो बीच में हमने बैक कोई डंठल के लीफ होती है छोटी छोटी सी, उसको यहाँ पे बचा बचा के संभाल के जो है कलर लगाना है, ताकि हमारे जो पंखुड़ी है उसका शेप जो है फ्लावर जो है उसका शेप अच्छा आए, और जब हम उसको डंठल बनाएंगे तो डंठल भी हमारी अच्छी आनी चाहिए और उसकी छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो भी अच्छी आनी चाहिए। और ये वाइट शेड लगाएं आप इतने, उसको इतनी अच्छे से सफाई से इसको ब्लेंड करें ताकि कलर एक दूसरे में जो है अच्छे से मिक्स हो। काफ़ी संभाल के कलर लगाना है। आप सिर्फ रेड और वाइट ही यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मरून शेड नहीं यूज़ करना है, दो कलर में भी हमारा ये फ्लावर जो है बन जाएगा। और अगर आप इस पर ड्रॉप वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ड्रॉप डालने के बाद और भी फ्लावर का लुक जो है अच्छा हो जाता है और भी अच्छा दिखने लगता है। हाँ, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ज़रा भी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे वीडियो बनाने का, और थोड़ी तबीयत वगैरह भी जो है बराबर नहीं है, तो इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं बन पा रही है। अभी ये देखो कितने दिन की वीडियोस मैं बना के रखी थी लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, तो अभी टाइम निकाल के इसको एडिट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ जल्द से जल्द आऊँ और आप लोग को दूसरी डिज़ाइन दिखा पाऊँ। आप लोग भी दुआएं करिए जल्दी जल्दी जो है मैं कर सकूँ, मेरा ज़रा भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है मुझे इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये बैक साइड से फ्लावर हमारा जो है दिख रहा है, और इस तरह से हमने कितना इजी है इसे बनाना, इस तरह से हमने इसको कितने इजी तरीके से बना लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कलर करना है। हर तरफ से पंखुड़ी में कलर लगा के बीच में इस तरह से वाइट शेड उसमें डाल देना है और उसको बहुत ही सफाई के साथ ब्लेंड कर देना है। कलर की यही खासियत है कि आप एक दूसरे में कलर को अच्छे से मिक्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपकी फिनिशिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सबसे मेन यही है कि आप कलर को अच्छे से मिक्स कर पा रहे हैं कि नहीं। कलर को मिक्स करना और कलर पे दूसरे कलर पे शेड करके रेशे जैसा देना, ट्राई शेड में जो कि होता है वो सब चीज़ जो है अगर आपको क्लियर आ जाती है तो इसका मतलब है आपको पेंटिंग आ जाएगी, आप बना सकते हैं। और कलर का कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, कौन से कलर में कैसे शेड देना चाहिए, मिलाना चाहिए कि हमारा कलर परफेक्ट आए, फ्लावर परफेक्ट आए। हम रेड के साथ ऑरेंज कलर भी अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कलर आता है। अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने वाइट शेड का यूज़ किया, अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर का भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हमारा ऑरेंज कलर रहेगा, रेड कलर कम रहेगा, तो भी हमारा फ्लावर बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये भी फ्लावर हमारा तैयार हो चुका फ्रेंड्स, वीडियोस हमारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्लावर कितना प्यारा सा आया है, रेड कलर वाला फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पिंक शेड वाला तो अच्छा ही लग रहा है और रेड वाला भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा लग रहा है। तो इसकी डंठल अब हम बनाएंगे, बाकी तो लीफ वगैरह आपको हमने बना के दिखाई दिए कि किस तरह से बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरह से इसको बनाना है, बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बना के दिखाया है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है थोड़ी थोड़ी वीडियो को, अगर आप बनाते हैं तो इसको थोड़ी थोड़ी वीडियो को देख कर बनाएंगे तो भी आप जो है बना लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, इजी है, तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, फिर अपने आप ही जो है हमारी पेंटिंग जो है बन जाती है। कोशिश करने के बाद हम तो, जब इंसान कोशिश करता है तो कुछ भी पाना चाहे तो वो पा लेता है। तो बस आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे। उसके लिए आपको वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से, मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से आप बनाएं कि बने। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले बेसिक से बनाएं, बेसिक से सीखें, ताकि आपको सारे शेड जो है पता चलें और बनाने की कोशिश करें तो आप जो है कुछ भी बना पाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर पूरा हो चुका है, अब हम बनाएंगे अंदर की पेटल्स। देखिए फ्लावर कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हमने जो फोल्ड पेटल्स हमारी है उसमें कटिंग है, तो यहाँ पे हल्का हल्का करके हमें मरून शेड लगाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि अच्छे से लग पाए, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। ये हो गया, अब हम लगाएंगे ग्रीन शेड से। ग्रीन और वाइट शेड का कॉम्बिनेशन करके हम लीफ बनाएंगे, जो छोटी छोटी लीफ हमारी दिख रही है उसको। सबसे पहले तो यहाँ से हम डंठल बनाते हैं, इस तरह से डंठल बना लेंगे। अब यहाँ से सैप ग्रीन लेंगे और यहाँ से वाइट शेड लेंगे। इसके लिए आपका ब्रश अच्छा होना चाहिए और नोक वगैरह देख के अच्छे से बनाएंगे तो आप जो पेटल्स है वो अच्छी बनेगी। काफ़ी छोटी छोटी है तो बनाने में परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा संभाल के बनाना पड़ेगा इसे, इस तरह से। इस तरह से देखिए बहुत इजी है बनाना। आप इसमें नोक वगैरह जो है बारीक बारीक रेशे जैसा निकाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ लीफ का शेप दे दिया है, छोटी छोटी इस तरह से बना दी है। और यहाँ बीच में हमने ये गोल वाला जो रहता है, फ्लावर की गुलाई रहती है, उसको बना देंगे लास्ट में, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया। और चलिए हम आपको पूरी डिज़ाइन दिखाते हैं। ये रही पूरी डिज़ाइन फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।